खोज आपकी कुछ भी पाने की हो, प्यास आपकी कुछ भी पाने की हो, वास्तव में हर चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं वह आप अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। धन पाना चाहते हैं, अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। पद पाना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, तृप्ति नहीं मिलती है उसको, जितना पा लेते हैं उसके बाद भी और पाने की प्यास रह जाती है, यानी तृप्ति होती नहीं है। कितना भी बड़ा धन मिल जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये और की चाह क्या है? यह और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यह और की चाह ही परमात्मा की चाह बन जाती है, क्योंकि उसके मिले बिना तृप्ति नहीं होती है। एक ही चीज़ मिले तब तृप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं परम आनंद। परम आनंद के आए बिना, उसका स्वाद लगे बिना तृप्ति होती नहीं है। तो आपको चाहिए तृप्ति तक, तृप्ति की अवस्था में आप पहुंच जाएं। तृप्ति की अवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक और धन चाहिए, तब तक और पद चाहिए, तब तक और प्रतिष्ठा चाहिए, तब तक और कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन तृप्ति कब होती है? जब परम आनंद की अवस्था आपको उपलब्ध होती है, उसके पहले तृप्ति नहीं होती है। अगर आपके भीतर चीज़ों को पाने की प्यास पैदा हो गई है, कुछ भी पाना चाहते हैं, वो परमात्मा की प्यास ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कभी हीनता की बात मत समझिएगा, दीनता की बात मत समझिएगा कि आप धन चाहते हैं या पद चाहते हैं या प्रतिष्ठा चाहते हैं या और कुछ चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते आप। हर चाह के मूल में अंततः परमात्मा की चाह है। वो इसलिए भी कहता हूँ कि परमात्मा के अलावा इस जगत में और कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही तो है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अत्र तत्र सर्वत्र वही है। तो जिस भी चीज़ की चाह, जिस भी चीज़ को पाने की प्यास आपके भीतर है, वो परमात्मा को ही पाने की चाह है। सिर्फ नाम आपको लगता है कि अलग है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो संपदा जिसको मिलने के बाद आपको धन पद प्रतिष्ठा हर चाह के संबंध में तृप्ति मिल सकती है, उस संपदा को पाने का जो विज्ञान है, अगर वो आपकी समझ में आ गया तो वो संपदा तो आपको मिलेगी ही, जो तुम्हें तृप्ति देती है, जिसे हम परम आनंद कहते हैं या जिसे हम परमात्मा कहते हैं या जिसे हम आत्मा कहते हैं। उसके साथ साथ ये जो आपकी छोटी छोटी मांगे हैं, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, ये स्वतः अपने आप पूरी होती चली जाएंगी, उनके लिए अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जो आप पाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो क्या है और उसको पाने का विज्ञान क्या है, इसकी समझ आपको आ जाए तो समझ ही सबसे बड़ा समाधान है, समझ ही धर्म की सबसे बड़ी क्रांति है। अगर बात समझ में आ गई तो कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करने से नहीं, सिर्फ समझ लेने से उपलब्ध हो जाता है वह, जिसे हम कहते हैं परम शांति, परम आनंद, क्योंकि वो हमें मिला ही हुआ है, हम सिर्फ उसको भूल गए हैं। वो विराट संपदा जन्म के साथ मिली थी, जिसको हमने खो दिया है, जिसे हम भूल गए हैं, उसका सिर्फ समझ की क्रांति होने पर स्मरण हो जाता है, और स्मरण होने पर हमें वह उपलब्ध होने लगता है, मिलने लगता है, प्राप्त होने लगता है।